हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम, मेरा नाम है विजय। तो यार, माता पार्वती का तीसरा बेटा आने वाला है, तो अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट, तो क्या सूचना तो दे दी है। हमें क्षमा कर दीजिए देव, किंतु हमारे लिए ये संभव नहीं होगा। क्यों क्यों संभव नहीं है? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि ये पुत्र आपकी ही नहीं अपितु समस्त संसार के दुखों को हरने में सक्षम होगा। सारे संसार के दुखों को, ये सबसे अच्छी बात है यार। और क्या? लेप लगा रही हैं। तो कोई हल्दी लग रही है या चंदन। अब तो समस्त संसार का सुख लौटाने हेतु आपके पुत्र का आगमन होने वाला है। आप अपने पुत्र की कल्पना कर अपनी शक्ति से उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हैं। हाँ वही ना, सारे संसार में अराजकता फैली हुई है। ऐसी स्थिति में संसार की भलाई के बारे में सोचना यह आपका दायित्व है। ये तो है, इस वक्त जो बिगड़ा हुआ ना संतुलन सारा, वाकई में बड़ा खराब हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा देवी के कारण। हाँ पुत्र इस संसार के दुख हर लेगा, यानी भाई फैसला ले लिया। हाँ। और इस संसार की भलाई है, यानी कि आना चाहिए। हम ऐसे पुत्र को अवश्य जन्म देंगे। आपकी अनुपस्थिति हम इस विघ्न विनाशक शुभकारी और मंगलकारी पुत्र को जन्म देने का निर्णय ले रहे हैं। हमारा ये पुत्र इस संसार में फैले अंधकार को दूर करेगा। जो अंधेरा प्राणियां सब कुछ देखते हैं यार क्या होता है ना। ये लगता है शुरू हो गई। यहाँ इतना बना लिया भाई है, ये वो बना रहे ना स्टैचू पुत्र का, जिस तरह अशोक सुंदरी जी ने। ओह बन गई भाई, वही तो। ओह ये देखना यार, और जिस तरह ये स्टैचू बना रही, इस तरह लग रहा है कि वो मतलब
शक्तिशाली होंगे, मतलब थोड़े से हेल्दी है ना, ये देख रहा थोड़ा मोटा सा है। शक्तिशाली तो हाँ हाँ शक्तिशाली होंगे, मतलब थोड़े हेल्दी भी हाँ लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये लग रहा है इनका, क्योंकि बाकी हमने अशोक सुंदरी जी का भी देखा है, हमसे कभी दूर नहीं होगा, सदैव हमारे पास रहेगा। ये तो जबरदस्त है ना भाई, माता पार्वती जी कमी दूर हो जाएगी। वही ना यार, माता जी ने भी बड़ी टेंशन ली है। अब आएगा ना मजा, क्योंकि अब इनके मुताबिक भाई ये यानी कि इनके पास ही रहना पक्के। अब ये वो बैठे होंगे जो इनको कभी लेकिन भी इसको भी फ्यूचर ही बताएगा कि आखिर ये साथ रहेंगे या नहीं। लेकिन है कौन पानी पिएगा। ओ ये क्या हवाएं? हाँ तो ऐसा लगता है जैसे तूफान आ रहा हो ना। हाँ तेज हवा। माता पार्वती जी खुश हैं। माता पार्वती जी भाई फुल रहती हैं। जाहिर सी बात है भाई, बेटा जो आने वाला है। ये पुत्र समस्त संसार के दुखों को हरने में सक्षम होगा। यानी कि ये होगा जो पूरी दुनिया में जो है ना अंधकार और संतुलन जो भी है अच्छाई। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है ना, या तो बन रहा है। है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना, कोई चमत्कारी रोशनियां हो रही है। हाँ या तो जिससे वो जन्म नहीं लेता वो शायद प्रोसेस हो रहा है पूरा। भाई इसी के साथ रोशनी और फूल खिल उठे भाई, मुरझाई चीज जो है ना खिल उठी है। वाह क्या ऐसी स्थिति में संसार की भलाई के बारे में सोचना यार ये जरूरी है यार, क्योंकि इंद्रदेव जी की ये चीजें क्रिएट की हुई ना, इनको सेट करना भी इन्हीं के अंडर है। ये भगवान से ओ ओ ओ ओ इतने बड़े ओ ओ ओ भाई, ये भाई आ गए, ये हमारे घर तुम्हारा आ गए। ये तो वाकई में हेल्दी है। हाँ ये कितनी शक्ति, वो निशान देख जहाँ पहुँच रहा है। ये तो भाई रोशनियाँ आ रही हैं। ये देख रहा है जहाँ तक के पश्चात ही दूर होगी, किंतु उसके लिए मेरा प्रयास पर्याप्त नहीं, प्रयास तुम्हें भी करना होगा पार्वती। दी भाई मांगी, वाह आ गए भाई हैं कौन, ये हैं कौन माँ। अरे यार दिखाओ यार, दिखाओ जल्दी से, मौत क्यों यार, क्योंकि धुंधलेपन में जो है ना अभी सामने ये। अरे अरे यार क्या बहुत प्यारे हैं यार, बहुत वाकई बहुत प्यारे और हेल्दी भी। ओ माता पार्वती जी तो देख रही है। ओ ये तो
ये आ गए। ये आ गए भाई, आ गए आ गए। खत्म यार, ये कौन है, इनका नाम क्या है, आखिर ये है कौन भाई साहब, ये है कौन जो इनका जन्म हो चुका है इस टाइम पर, और इतने प्यारे भाई, इन्होंने तो नंबर काट दिए भाई, अशोक सुंदरी जी और भाई कार्तिक जी तो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत, और जिस तरह की शक्ति लग रहे हैं, शाली पांव रख रहे और कैसी रोशनी निकल रही है यार, वाह क्या भाई वाह क्या, इनके आने से भाई फूल भी खिल उठे, सूरज भी जगमगा उठा, हर तरफ हरियालियां हरियालियां आ गई, अंदाजा लगा भाई, तभी तो कहा था। और ये माता पार्वती जी को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, जिस तरह अशोक सुंदरी जी चले गए, चलो किसी वजह से करते क्या जी का अपना फर्ज है, ये माता पार्वती जी के पास ही रह के पूरी दुनिया का जो संतुलन बिगड़ा हुआ है अंधकार को दूर करेंगे, काफी यार ये वही माता पार्वती जी कितनी खुश हुई। अब इनका नाम क्या, इतने प्यारे और क्यूट लग रहे थे, मजा आ गया यार देखकर, किस तरह वो जब इन्होंने बनाना शुरू किया और बनाया, और फिर जब उसके बाद इसके अंदर जान आई तो वो जब उन्होंने माँ बोला तो वो वाला तो एंड था भाई, वो आवाज यहाँ पे आके लगी है यार भाई। लेकिन अब आगे देखते हैं, हाँ। देखते हैं इनका आखिर नाम क्या, ये है कौन, तो इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।